हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं अपने भाई का चैनल। दोस्तों, जिस चीज़ को हम लोग खाते हैं हमारे अंदर ये जानने की चाहत होती है कि ये बनता कैसे है। दोस्तों, देसी गुड़ का इस्तेमाल कई सारे मिठाइयों साथ ही साथ पुआ पकवान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि देसी गुड़ कैसे बनता है। स्टेप बाय स्टेप सारे कुछ मैं दिखाऊँगा। मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा का पूरा गन्ने का पेड़ है और इसकी कटिंग चालू हो चुकी है और अभी आपको मैं दिखाऊँगा देसी गुड़ कैसे बनता है। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। चलिए दोस्तों, फटाफट ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हो गन्ने की कटाई हो रही है। इसको काट लेने के बाद इसका पूरा रस निकालना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस मशीन के जरिए गन्ने का रस निकाला जा रहा है। उसके बाद इसको एक जगह पर स्टोर किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये गन्ने का रस स्टोर हो रहा है यहाँ। उसके बाद दोस्तों, एक बड़े से तवे में इसको गर्म किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, गर्म हो रहा है गुड़ का रस। उसके बाद दोस्तों, ये पूरी तरह लाल हो जाएगा। जैसा गुड़ का कलर होता है वैसा हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और एक साइड में आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये थोड़ा कम गर्म है और ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है, साइड वाला आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों, इसको एक जगह पे इसको स्टोर किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद ये पूरी तरह जब ठंडा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों, इसको आप जिस आकार में लेना चाहते हो उस आकार में आप ले सकते हो। तो यही था पूरा दोस्तों, गुड़ ऐसे ही बनता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया कि देसी गुड़ कैसे बनता है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैं मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।